नमस्कार दोस्तों, मैं जगशीर शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के प्रोसेसिंग टाइम में और वीज़ा ट्रेंड पे के क्या प्रोसेसिंग टाइम रहता है और क्या वीज़ा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम न्यूजीलैंड का। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करेंगे कवर लेटर की, कि जो हमने कवर लेटर हमने साथ में अटैच करते हैं अपनी फाइल के, वो कैसा होना चाहिए, क्या उसका पर्पस होता है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है जी, अगर आपने अपनी फाइल लगा दी हो जहाँ आपने अपनी फाइल लगानी हो, तो आपके लिए ये वीडियो गुड रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में कि प्रोसेसिंग टाइम जो रहता है न्यूजीलैंड का वो क्या रहता है। देखो, जो 80% और 90% पीपल का प्रोसेसिंग टाइम रहता है, वो प्रोसेसिंग टाइम स्टैंडर्ड टाइम अगर हम बात करें तो 40 से 50 डेज रहता है। 40 से 50 डेज लगते हैं आपकी जो प्रोफाइल है उसको उसका रिजल्ट देने में। ठीक है जी, फाइल आपकी जो अंडर असेसमेंट में होती है, ठीक है, सबसे पहले 10-12 दिन में तो आपका जो अपनी फाइल है, आपके डॉक्यूमेंट गैदर होते हैं, आपको वीजा ऑफिसर असाइन होता है। आफ्टर दैट 40 से 50 दिन लगते हैं आपका रिजल्ट आने में। ये स्टैंडर्ड टाइम है और ये जो काम है 80% पीपल के साथ होता है। 80% पीपल का जो अपनी फाइल का जो स्टैंडर्ड टाइम है, वीजा आने का टाइम है, वो 40 से 50 डेज ही रहता है। जो 20% पीपल पीछे बच गए, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 से 10 दिन या 15 दिन भी रह सकता है। ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं 8 और 10 दिन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 और 10 दिन में भी रिजल्ट आ सकता है। बट ये उन लोगों के साथ होता है जो मतलब 5 से 10% लोग होते हैं जिनकी फाइल बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, चाहे जिनकी वेरिफिकेशन अंडर असेसमेंट वो सारा प्रोसेस है वो एकदम अच्छे तरीके से उन एम्बेसी में हो जाता है। मेन चीज हमने अगर बात करेंगे जो प्रोसेसिंग टाइम की, जो स्टैंडर्ड टाइम है नॉर्मल पीपल के साथ जो होता है वो 40 से 50 डेज ही होता है। अगर आपने अपनी फाइल लगाई है तो आप 40 से 50 डेज अपनी फाइल के लिए वेट करो। 40 से 50 डेज लगेंगे आपकी फाइल का रिजल्ट आने में, और वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने फाइलिंग कैसे की है। ठीक है, फाइलिंग आपने अच्छी की है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपने फाइलिंग अच्छी नहीं की है, ठीक है, नॉर्मल फाइल है आपकी, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल डाउन है या जीरो है, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आना है। फर्दर हम बात करेंगे वीजा ट्रेंड की। वीजा ट्रेंड जो इस टाइम न्यूजीलैंड का चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है और आपने फाइलिंग भी अच्छे तरीके से नहीं की है, तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे कवर लेटर। देखो, कवर लेटर होता क्या है। कवर लेटर बेसिकली जो आपने अपनी फाइल के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, आपने जो बिजनेस शो किया है आपका, आपने अपनी जॉब डिटेल्स बताई हैं, आपने अपना पर्पस बताया है, वो सारी चीजें हम कवर लेटर में मेंशन करते हैं। कवर लेटर में एक एक चीज एक्सप्लेन होती है, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन हमने कवर लेटर में करनी होती है, जो 4 से 5 पेजेस का रहता है। सिर्फ कवर लेटर में हमारा ये नहीं होता कि कवर लेटर में हमने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, वो तो आपने अपनी फाइल के साथ अटैच कर ही दिया। ठीक है, वो चीजें नहीं मांगता आपका आपसे वीजा ऑफिसर। वीजा ऑफिसर कहता है कि आप एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन दो, क्या करने जा रहे हो, क्या नाम है आपका, ठीक है, क्या बिजनेस है आपका, क्या आप जॉब करते हो, सैलरी आती है आपके अकाउंट में, ठीक है, क्या सिस्टम है। हर चीज को हमने एक्सप्लेन करना होता है अपनी कवर लेटर में, अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, कवर लेटर बहुत जरूरी है, साथ अटैच करो कवर लेटर, बहुत अच्छे तरीके से बना हो। ठीक है, आपका जो कवर लेटर है, कवर लेटर प्रॉपरली आपको बनाना है। आपको अगर आप एजेंसी फाइल लगवा रहे हो तो आपने कवर लेटर को पढ़ना है, क्या उसमें क्या चीजें लिखी हैं। अगर आपको कोई चीज मिस लग रही है कि ये चीज मिस है, तो आप उस कवर लेटर को आप उसे बोलो कि दोबारा से बनाए। कवर लेटर बहुत ही मायने रखता है आपकी न्यूजीलैंड की फाइलिंग करने में। ठीक है जी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप यहाँ आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप किसी भी टाइम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, नमस्कार।